नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही गार्डनिंग चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे नस्टर्शियम्स के सीडलिंग्स को कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं। और आज की ये मेरी शॉपिंग आप देख सकते हैं, मैं लेके आया हूँ 5 प्लांटर्स जो कि मुझे 20 रुपी का एक पड़ा। तो आप देख सकते हैं इस तरह के ये प्लांटर्स हैं। इनमें मैंने फ्रेंड्स ड्रेनेज होल खुद बना लिए हैं नीचे। ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है लेकिन इट्स अ ओके डील। तो 20 रुपए में आप प्लांटर्स इतने अच्छे मिलते नहीं हैं, तो ये उस हिसाब से ठीक है। तो ये नस्टर्शियम की सीडलिंग्स मैं इसमें लगाऊंगा। आप देख सकते हैं मैंने न्यूज़पेपर सीडलिंग पॉट में ये ग्रो किए हुए हैं और ये काफ़ी सही चल रहे हैं। तो अब इन्हें ट्रांसप्लांट करने का टाइम हो गया है क्योंकि जो इनकी लीव्स हैं वो आप देख सकते हैं वो 2 या 3 से ज़्यादा हैं। और ये 2 कलर के प्लांट्स हैं, आप इसके स्टेम से ही पता लगा सकते हैं। तो मैं एक प्लांटर में, क्योंकि ये काफ़ी वाइड है, तो इसमें 2 नस्टर्शियम्स के प्लांट लगाऊंगा। नस्टर्शियम के प्लांट्स के लिए फ्रेंड्स जो बेस्ट साइज़ है पोट का वो 9 से 10 इंच है मिनिमम। बट क्योंकि मुझे ये एक हैंगिंग प्लांटर में लगाने थे इसलिए मैं इसमें लगा रहा हूँ, अदरवाइज़ आप 9 to 10 इंच का पोट साइज़ मिनिमम रखिएगा। सॉइल की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो नस्टर्शियम की सीडलिंग्स को बिल्कुल पुअर सॉइल में आप लगाइए। अगर आपके यहाँ ज़्यादा फर्टाइल सॉइल नहीं है तो आप इसे बेकार से बेकार मिट्टी में लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। तो इसको पुअर सॉइल चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा रिच फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत इस प्लांट को नहीं होती है। तो आप इसे अगर आपके घर में अच्छी मिट्टी नहीं है, ज़्यादा खाद वाली मिट्टी नहीं है, पुअर सॉइल है, तो उसमें आप ज़रूर लगाइए नस्टर्शियम्स को। पोट में लगाने के बाद आप चाहें तो थोड़ा बहुत गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट आप इसमें ऊपर से डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो मैंने अपने पोट में होल्स बना लिए हैं, ड्रेनेज होल्स। अब नीचे ड्रेनेज होल्स में मैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग रख दूंगा। आपके पास कोई स्टोन्स या पेबल्स हैं तो वो आप नीचे रख सकते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी जो है वो पानी के साथ ना बहे। ड्रेनेज होल अपने पॉट में आपको ज़रूर रखना है फ्रेंड्स। अगर प्लास्टिक का पॉट है, अगर उसमें नहीं है तो आप कर लीजिएगा, लेकिन ड्रेनेज होल्स मस्ट हैं क्योंकि एक्सेसिव वाटर लॉगिंग या अगर प्लांट के आसपास ज़्यादा पानी ठहरेगा तो ये प्लांट जो है जल्दी मर जाएगा, इसकी जड़ें सड़ जाएंगी। तो वेल ड्रेनिंग सॉइल आपको रखनी है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लांट के लिए कि मिट्टी जो है वो पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप उसमें पानी दें तो पानी उसमें ठहरना नहीं चाहिए। तो नॉर्मल गार्डन सॉइल या पीली मिट्टी नॉर्मल जो हमारी होती है, उसमें गार्डन सॉइल वाली मिट्टी में आप रेत ऐड कर सकते हैं 10% इन केस अगर आपकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेनिंग नहीं है। जब आप न्यूज़पेपर पॉट में अपनी सीडलिंग्स को ग्रो करते हैं तो इनके सर्वाइवल चांस जो हैं फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें हम जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो रूट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स आप पॉट को एज इज़ रख सकते हैं, अगर आपने न्यूज़पेपर सीडलिंग्स पॉट में ग्रो किया हुआ है अपने प्लांट्स को या सीड्स को, तो आप बिना हटाए भी एज इज़ रख सकते हैं। कुछ टाइम बाद न्यूज़पेपर पॉट जो है वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है और आपके प्लांट की जड़ें फैल जाती हैं। और अगर आप चाहें तो आप इस तरह से हटा के भी अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं।
अगर आपकी सीडलिंग थोड़ी सी लंबी हैं या लैगी हैं तो आप अपनी सीडलिंग्स को मिट्टी में रिपोर्ट या ट्रांसप्लांट करते हुए नीचे थोड़ा ज़्यादा दबा सकते हैं मिट्टी के अंदर। और इन केस अगर सीडलिंग्स हेल्दी हैं, लैगी नहीं हैं, तो आप उतना ही मिट्टी से उन्हें कवर करिएगा जितना कि उनकी जो स्टेम्स हैं वो ज़्यादा डीप अंदर ना जाएं। चारों ओर मिट्टी को अच्छी तरह से फैला देंगे फ्रेंड्स, और दबा के मिट्टी को अच्छी तरह भरेंगे जिससे कि सारी एयर पॉकेट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। फिल करने के बाद फ्रेंड्स अच्छी तरह टैप करेंगे जिससे कि जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और मिट्टी जो है वो अच्छी तरह बैठ जाए। इसी तरह अगले प्लांट को मैं लगाता हूँ। हमने जो सारे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स या सीडलिंग्स हैं वो ट्रांसप्लांट कर लिए हैं और अब इन्हें पानी देने का टाइम है। फर्स्ट टाइम जब ट्रांसप्लांट के बाद आप वाटरिंग करें तो बहुत अच्छी तरह से आपको हैवी वाटरिंग करनी है जिससे कि जो ड्रेनेज होल्स हैं उससे पानी बाहर निकल जाए, और उसके बाद आपको प्लांट्स को किसी शेडी एरिया में रखना है, डायरेक्ट सन से बिल्कुल बचाना है जिससे कि ट्रांसप्लांट शॉक अगर इन्हें लगा है ट्रांसप्लांट करते हुए तो ये सर्वाइव कर जाएं अच्छे से। तो ये देखिए 20 रुपए के पॉट में मैंने अपने नस्टेशियम के सीडलिंग्स को लगा लिया है। तो मेरे सीडलिंग्स मैंने घर पे ही तैयार कर लिए थे और मुझे पॉट्स भी जो है वो बहुत ही काफ़ी चीप मिल गए। तो अब जब मेरे प्लांट्स तैयार होंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत देखने में लगेंगे। जब इन पे फ्लावरिंग्स आएंगी फ्रेंड्स तो मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर आपके भी सीडलिंग्स हैं इतने बड़े हो गए हैं तो आप भी फटाफट से नस्टर्शियम के सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो देखने में आपको मज़ा आया तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो में कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वायरी है तो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ फ्रेंड्स किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।